हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुड ईयर इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 1160, लो गया था 1132 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 1.03% एंड क्लोज हुआ है 1137.75 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹2,624.39 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹2,027.83 करोड़ एंड पीई रेशियो है 23.25। इस कंपनी के ऊपर आज के डेट पे किसी भी तरीके का कुछ भी आपका डेप्थ नहीं है, बिल्कुल ही एक आपका डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹596.56 करोड़ एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.31। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज़्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹59.06, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.57% एंड ROCE है 21.33%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 53.38% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था आपका 2.64%। ये जो कंपनी है गुड ईयर इंडिया, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74%, पब्लिक का होल्डिंग है 18.15%, DII का होल्डिंग है 7.02% एंड FII का होल्डिंग है 0.83%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज़्यादा ही है। और एक चीज़ देखिए, ये जो आपका 74% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज़ देखिए, इस कंपनी ने आपका ₹80 पर इक्विटी शेयर का स्पेशल डिविडेंड एंड ₹20 पर इक्विटी शेयर का आपका फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। मतलब टोटल आपका ₹100 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका आपका रिकॉर्ड डेट है 26 जुलाई 2022 एंड आपका एक्स डेट है 22 जुलाई 2022। मतलब अगर सिर्फ आपके पास एक ही दिन है, मतलब आज है आपका 20 जुलाई, कल है 21 जुलाई, कल तक अगर आप लोग इस शेयर को खरीदेंगे तो आप लोग डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, और एक चीज़ देखिए, इस कंपनी ने हर एक ईयर पे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज़ देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को एक आपका अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका 27 जून के दिन एक आपका कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 200 डेज एंड 100 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टिकट हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, कुछ दिन पहले आपका 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक आपका क्रॉस ओवर फॉर्म हुआ था। जब भी ऐसा क्रॉस ओवर फॉर्म होता है तो ज़्यादातर आपका शेयर ऊपर की तरफ भी भागता है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी देखिए बहुत दिनों से आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है। मतलब डेली चार्ट में ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है, लाल कलर का। ओके, तो देखिए ये लाइन जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लाइन है। कैसे देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था इस लाइन को तोड़ दिया था, तब देखिए ऐसे आपका ऊपर की तरफ भागा था। फिर से देखिए जब भी नीचे की तरफ गिरा, इसी लाइन के नज़दीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा। फिर से देखिए अभी दोबारा, जब भी इसी लाइन के नज़दीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आपका एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया। तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो करेंट वीक चल रहा है, इसी वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। ओके,
तो मेरे हिसाब से अभी इस शेयर का जो करंट प्राइस है लगभग आपका रुपीज 1137, अगर इसी रेंज पे लगभग इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30 से 40 दिन का भी है, तो मुझे जो लगता है कि आने वाले 30-40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 1240 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। और अगर एक बार ये शेयर आपका 1240 का जो लेवल है इसके ऊपर शासन कर गया, तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपका 1370 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आजकल इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।